हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। आज हमारे चंबा में भी जन्माष्टमी की कृष्ण भगवान की झांकी निकलेगी। गाने गुने लग रखे हैं और दिखाती हूँ आपको झांकी कैसे कैसे होती है। मटकी भी फूटेगी और मैं आ रही हूँ अभी मार्केट में। देखिए अभी मार्केट में काफ़ी टेंट वेंट तो लग गया, अभी धीरे धीरे करके लोग भी आएंगे। बाद में काफ़ी भीड़ होती है, अभी तो है नहीं। चलो जोर से आवाज लगाएंगे, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, ये जो कृष्ण जन्माष्टमी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ, क्योंकि आपने इतना सुंदर आज प्रोग्राम रखा। मैं तो चाहती हूँ ना इससे भी भव्य हो, लेकिन हम लोगों को सच्ची में पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे ये आयोजन की वो शुरुआत हो रही है। नहीं तो बहुत ही बढ़िया भाई जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहना चाहती हूँ ना कि ये जो हमारे ये त्योहार होते हैं, इन त्योहारों से हमें ना शिक्षा लेनी चाहिए। ये केवल दिखावे के लिए नहीं रखना चाहिए कि आज जन्माष्टमी मनाए गोल गोली है ना। कृष्ण भगवान ने हमारे जीवन में क्या क्या विशेषताएं थी, हमारे लिए क्या क्या किया, इन सबको ग्रहण करना चाहिए। और चंबा के बच्चों से एक चीज कहना चाहती हूँ, और हम माताओं से भी, पहले तो हम अपनी भाषा ही बोले लेन, है ना, भाषाएं बिल्कुल नहीं। पहले अपनी गढ़वाली भाषा बोल दो ढंग से, अपने बच्चों को तुम सीखो ना, बंगाली बंगाली बोल दो, गुजराती गुजराती बोल दो, मराठी मराठी। लेकिन हम लोग बेचारा निकल दो बिल्कुल जब फॉरनर थे, सबसे पहले तो अपनी गढ़वाली भाषा पर ध्यान दें। और दूसरी बात, जो गाय माता ना, गाय माता वो सत्संग जय नहीं हो दो, जय गौ माँ। गौ माँ का आदर अगर प्रत्येक महिला एक एक गाय को घर में रखे ना तो आश्रम बनेंगे, ना गाय माता भूखी मरेगी, है ना। ये चीजें हमारे विचार में होना चाहिए। और आप सभी को फिर से धन्यवाद देती हूँ, अगर आगे मौका मिलेगा तो हम भी इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अगर कोई अपनी बात अगर हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की।
हाथी घोड़ा पाल की भद्रंगी अपनी रणनीतियां बनाते हुए कि कैसे मन की घोड़ी जाए। अब कहना मटकी बोल कर भागत चुराने के लिए हाथी घोड़ा पाल के हाथी घोड़ा पाल के सनातनियों के लिए सनातनी प्रेमियों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है तो आप सभी लोग प्रसाद लेके जाए। पीर बदेंगे जय श्री राम। धन्यवाद रजको हमें भराइए 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 जी।
आइए आप सभी को गीत सुन के पता चलेगा गीत कौन सा है। तेज बारिश हुई और पुलिस लाइन चंबा में ना बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम होते हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, और हम भी गए देखने के लिए, लेकिन मैं पूरा सूट इसलिए नहीं कर पाई, बाहर तो बहुत ही तेज़ बारिश लगी हुई थी, तो थोड़ा सा फंक्शन अटेंड किया, प्रोग्राम देखा, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम हुए और तब हम घर की तरफ आ गए थे। घर इतनी बारिश में करना भी गया था, पर फिर भी 12 बज चुकी थी,
और आप सबको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मिलती हूँ आपको कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।